अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आइडियल एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसका मींस क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जो है मीन मतलब डेफिनेशन वगैरह जो है ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी गई थी। अब आज हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था और क्रोमेटोग्राफी कैसे हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट है जिसने क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किया था और बताया था कि ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर हिस्ट्री ऑफ क्रोमेटोग्राफी में। जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, सेपरेशन एंड टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक है, जिस एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करती हैं हम, लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा काम जो है वो क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हो रहे हैं। यानी कि क्रोमेटोग्राफी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसके बेसिक में ऐसे आ जाती है। तो इट हैज़ पावरफुल इम्पैक्ट इन द, तो 1860 में जो वर्क किया था वो गोल्पस क्रोमेटोग्राफी पे पॉइनर ने पेपर क्रोमेटोग्राफी को जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया, जो कि एक फ्रेडरिक केमिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था, पॉइनर ने ना। उसने क्या किया था, कैपिलरी एनालिसिस किया था पेपर स्ट्रिप्स का, और उसने वाइन, मिल्क, क्लोइड्स, डाइज एंड ऑयल्स अमंग अदर, मतलब कि इसने इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया था थ्रू कैपिलरी। जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी एक पेपर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हिज वर्क वाज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्क ऑफ क्रिश्चियन फ्रेडरिक, तो इसका जो वर्क था ना वो इम्प्रूवमेंट थी, जो पहले एक साइंटिस्ट जो है वर्क कर गया था। क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री के बारे में ये तो सारा था ना कि 1799 मतलब कि 18th century में इसकी बैगनिंग हुई। बैगनिंग के बाद फिर आगे क्या हुआ, बैगनिंग के बाद ना हमारे पास 20वीं सदी में एक साइंटिस्ट आया था, माइकल स्वेट, जिसने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि साइंस में कोई भी चीज़ जो होती है वो मतलब एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मतलब कि पहले से प्लान की हुई चीज़ नहीं है। साइंस में कोई भी चीज़ पहले से प्लान नहीं की हुई, हर चीज़ एक्सीडेंटल ही है साइंस में ना, जो भी चीज़ डिस्कवर हुई है वो एक्सीडेंटल ही हुई है। इसी तरह हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी एक्सीडेंटल ही आया हमारे पास ना। अब क्या, 1906 में एक जो है वो रशियन इटालियन, मतलब कि रशिया और रशियन रूस को बनाने वाला था, इटालियन भी था, उसका नेम था माइकल स्वेट, नाम याद रखे, माइकल स्वेट था, बोटनिस्ट था, उसके प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, वो बोटनिस्ट था। वो क्या करना चाह रहा था, वो कह रहा था कि प्लांट्स जो हैं, ये जो पत्ता है हमारे पास ग्रीन प्लांट होता है, इसमें ऐसा क्या है हमारे पास कि जो ये जो है इसमें हमारे पास कितने पिगमेंट्स हो सकते हैं। उसने क्या कि उसने सोचा कि इसमें कितने पिगमेंट हो सकते हैं, उसने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, क्योंकि वो बोटनिस्ट था, उसे प्लांट्स के बारे में बहुत लगाव था, उसे प्लांट से जैसे कहते हैं हम लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए उसने सोचा कि प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्यों ना इसको जो है वो हम इस पर एक्सपेरिमेंट करें। तो उसने एक लीव लिया, उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि क्लोरोफिल का जो प्लांट है उसको उसने देखा, उसने क्या किया, उसने एक क्या बनाई, स्लरी बनाई जिसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया, वाटर को ऐड किया, उसने एक स्लरी बना के वाटर को ऐड कर दिया। उसने क्या फिर उसने क्या किया, उसने ना मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए टू फाइंड आउट क्लोरोफिल कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पिगमेंट में मौजूद थे। वो वर्क करता गया, वो अपने वर्क से बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंट था कामयाब ना हुआ, क्योंकि उसे पता ना चल सका कि इसमें कोई कौन कौन से पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसने क्या किया, फिर उसने ये किया कि ना वो जो है ना ये सारा जो अपना उसने सोल्यूशन वगैरह तैयार किया था वो सिंक में फेंक के जो है वो थ्रू करके वो चला गया। नेक्स्ट डे जब उसने आकर देखा तो उसमें एक जो है ना वो टैंक में एक ना पूरा पिगमेंट जो होते हैं वो डिवेल्प होना शुरू हो गया, मतलब कि पूरा प्रोसेस हो गया था। अब उसने क्या किया, अब उसने कहा कि ये तो हमारे पास पिगमेंट्स मौजूद, आप पिगमेंट्स हमारे पास सारे आ गए हैं, तो उसने कहा कि उसने देखा कि इनमें मुख्तलिफ कलर्स थे, रेड था, ऑरेंज था, ब्लू था, ग्रीन था, मतलब कि हमारे पास
उस प्लांट्स के अंदर जितने भी जेंथोफिल कैरोटीन्स या हमारे पास क्लोरोफिल जो मौजूद थे, उसने कहा कि वो हमारे पास सारे कलर आ गए थे। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लाइक ग्रीन, ऑरेंज, येलो जो है वो इस पर आ गए थे, जिसको उन्होंने बोला है क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन होता है, कैरोटीन्स जो होते हैं हमारे पास ऑरेंज होता है, और जो हमारे पास जेंथोफिल होते हैं वो येलो होते हैं। इसलिए इसने क्रोमेटोग्राफी को एक नाम दिया जिसे हम बोलते हैं कलर राइटिंग। न्यू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी डेवलप ड्यूरिंग द 1930s एंड 1940s। फिर जो क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स आई, क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स आई हमारे पास 1940 में आई, फिर 1930 में आई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो फिनोमेनाज होते हैं, एक एडसॉर्प्शन होता है, पार्टीशन होता है। एडसॉर्प्शन में जो हमारे पास होती है वो हमारे पास आ जाती है TLC आ जाती है, और जो हमारे पास पार्टीशन है उसमें उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, गैस आ जाती है गैस क्रोमेटोग्राफी, और HPLC आ जाती है। ठीक है, एडसॉर्प्शन और पार्टीशन के फिनोमेना को समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जो है वो देखते रहिए। और जो हमारे पास मुख्तलिफ जो हमारे पास टाइप्स आई हैं वो इन द क्रोमेटोग्राफी की, फिर इसके बाद मुख्तलिफ टाइप्स आई। चुप कर।